मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। बाड़ा रिपोर्ट, मोहम्मद कासम भगियो। बाड़ा में दूध में मिलावट इस हद तक बढ़ चुकी है, यूरिया, साबुन, सर्फ, फेनाइल, कास्टिक सोडा, चीनी और मेलामाइन वगैरह, ये सब दूध में मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके इंसानी जिंदगी से खेल रहे हैं। दूध कुदरत का एक तोहफा है और इसकी इंसानी सेहत के लिए फायदे सदियों से साबित शुदा है। दूध को एक मुकम्मल गजा करार दिया जाता है क्योंकि इसमें इंसानी सेहत और तंदरुस्ती को यकीनी बनाने वाले तमाम गजाई अज्जा मुनासिब मकदार में मौजूद होते हैं। दूध में पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, जबकि इसमें पाया जाने वाला पोटाशियम भी पाया जाता है जिसकी ब्लड प्रेशर दुरुस्त रहता है। इस तरह दूध में मौजूद विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है, मगर अफसोस का मुकाम यह है कि आज दूध में मिलावट इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये कुदरती नेमत की बजाय दूध के नाम पर बिकने वाला एक जहर बन चुका है। यूं तो मिलावट हर खाने पीने की चीज में की जाती है, लेकिन मिलावट के नाम पर दूध का जो हाल किया जाता है उससे तो अबाद अल हफीज। मिलावट की बुनियादी वजह मौसम में इस चीज़ की जरूरत का ज्यादा होना, मुनाफा खोरी का लालच है। दुकानदार अपनी चांदी करने के लिए लोगों की सेहत और जिंदगी से खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लालच में मिलावट के लिए सस्ती और घटिया चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल करके इंसान कैंसर, दवा और अल्सर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है।